मुझे लगता है कवि सम्मेलन तो कवि सम्मेलन जब वास्तव में शुरू से पहले शुरू हो गया था, सुराना जी ने जो बोला वो बहुत कविता से कम नहीं था। क्या कहने, वाह वाह। मेरा सौभाग्य ये रहा कि आकाशवाणी की वजह से भगवान राम का जो जन्म होता है अयोध्या में, करीब 5-6 बार अयोध्या से उनके जन्म का आपको देखा सुनाया, मथुरा से भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म का आपको, फिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का सुनाया, और खालसा पंथ की स्थापना का जो समारोह हुआ तो मुझे पूरा सिख धर्म जानने का अवसर मिला, लेकिन जैन धर्म को जानने का अवसर के लिए मैं भाई राजेश चेतन का हमेशा आभारी रहूंगा जीवन पर्यंत, कि उन्होंने जैन धर्म से मुझे जोड़ा। एक बात और भी साझा करो, जब पहली बार मेरा एक किसी आयोजन से जैन धर्म का उससे पालक उससे वास्ता पड़ा तो जिज्ञासा थी, तो अणुव्रत को जानने की जिज्ञासा हुई, और मुझे बहुत खुशी हुई कि अणुव्रत में आचार्य तुलसी जी ने जितने सूत्र बताए मुझे लगता मैं सबका अनुपालन अनजाने में कर रहा हूं। ये अनुव्रत भवन में ये बात साझा करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। फिर कवि सम्मेलन की बात की कि 30 साल इन्होंने बताया, मैंने 1974 में पहला कवि सम्मेलन पढ़ा था, तो मैं 46 साल के दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसा कवि सम्मेलन वाकई बहुत कमाल है। अब सबसे पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में ये रचना जो राजेश जी के उस आग्रह से हुई सुनेगा, कि अमृत के धार जैसा ही अनमोल वो चिंतन, अमृत के धार जैसा ही अनमोल वो चिंतन जो दूर करे मन के सभी द्वंद्व व उलझन, और आचार्य महाप्रज्ञ वो वरदान दे गए जो चाहे नए रूप में वो ढाल ले दिए गए। और हर शब्द ही संचार नई ऊर्जा करे, हर शब्द ही संचार नई ऊर्जा करे, बांटा वो ज्ञान देश पे उपकार ही तो है, बांटा वो ज्ञान देश पे उपकार ही तो है, और कविता रची तो पूरा महाकाव्य रच दिया, उस ऋषि की लेखनी का चमत्कार ही तो हो। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और ये पंक्तियां बड़ी विनम्रता से कि आचार्य महाप्रज्ञ को कहते जो जैन संत, आचार्य महाप्रज्ञ को कहते जो जैन संत, कुछ कुछ अधूरा लगता है मुझको तो ये कथन, कुछ कुछ अधूरा लगता है मुझको तो ये कथन, आचार जी तो पूरी मनुष्यता के लिए हैं, आचार तो पूरी मनुष्यता के लिए हैं, कह कर के विश्व संत ही मानेगा मेरा मन। वाह वाह, बहुत अच्छे आदमी। और ये इस कविता की अंतिम पंक्तियां ये हैं, अध्यात्म के दर्शन के वो अनमोल थे रतन, अध्यात्म के दर्शन के वो अनमोल थे रतन, आशीष को आप बैठते थे राष्ट्र प्रमुख भी, आचार्य महाप्रज्ञ के उन चरणों में नमन। वाह।